बात करेंगे कटनी की, जहां पर एसपी ऑफिस में आरक्षक के आत्महत्या करने के मामले को लेकर एसपी अभिजीत रंजन का बड़ा बयान सामने आया है। एसपी ने कहा है कि अनुशासनहीनता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पुलिस महकमे में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि आरक्षक सुनील बागरी मतगणना के दिन अवकाश की मांग कर रहा था, अवकाश नहीं मिलने पर आरक्षक ने एसपी ऑफिस के सामने पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस मामले पर एसपी ने कहा कि ऐसी अनुशासनहीनता महकमे में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जांच करके आरक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से दो दिन पहले हमारी मीटिंग जब शहर के अधिकारियों के साथ चल रही थी, 8 बजे के लगभग मीटिंग समाप्त हुई और 8 बजे जब हम लोग सभी बाहर आए तो वो स्टाफ बाहर ही खड़ा था और वो कुछ आग्रह कर रहा था। तो मेरे द्वारा माइक टू साहब को ये बोला गया कि इनका आग्रह सुन लिया जाए और इसका समाधान कर दिया। माइक टू साहब ने तत्काल ही उसकी बात सुनी और उसको 5 दिन की छुट्टी स्वीकृत कर दी। इसके पश्चात ये पता चला है, कल जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद जो हमने पता किया है, तो N3 तारीख को ही उसने कार्यक्रम होने की बात बताई और छुट्टी पे जाने की बताया गया उसके द्वारा थाना प्रभारी। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, थाना प्रभारी ने उसको बोला कि 3 तारीख को चूँकि इतना महत्वपूर्ण मतगणना का कार्यक्रम है तो वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क स्थापित करने के पश्चात ही हम कोई निर्णय ले पाएंगे।